सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं त्रिशला यादव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। इराक इस समय राजनीतिक संकट से गुजर रहा है। इराक की जनता ने बगदाद में संसद भवन पर कब्जा कर लिया है। प्रदर्शनकारी प्रधानमंत्री पद से उम्मीदवार का विरोध कर रहे हैं। देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट। क्या इराक का भी हुआ श्रीलंका जैसा हाल? संसद भवन पर प्रदर्शनकारियों का हुआ कब्जा। पीएम पद के उम्मीदवार के खिलाफ लोग। इराकी झंडा लहराते दिखे प्रदर्शनकारी। इन दिनों दुनिया के कई देश राजनीतिक संकट से जूझ रहे हैं। कई पर लोग सड़कों पर उतर आए हैं तो किसी देश में नागरिकों ने राष्ट्रपति भवन पर ही कब्जा जमा लिया है। पिछले दिनों श्रीलंका के लोगों ने राष्ट्रपति भवन पर कब्जा कर जोरदार प्रदर्शन किया। वहीं प्रदर्शन के साथ वहां पर कई लोग आराम भी फरमाते हुए दिखाई दिए, जिसके वायरल वीडियो ने खूब सुर्खियां भी इंटरनेट पर बटोरी थी। अब ऐसा ही कुछ हाल इराक में भी दिखाई दे रहा है। श्रीलंका की तरह इराक में भी प्रदर्शनकारी संसद भवन के अंदर घुस गए हैं। इराक के बगदाद में आक्रोशित सैकड़ों प्रदर्शनकारियों ने संसद भवन पर कब्जा कर लिया है। यहां पर भी पीएम पद के उम्मीदवार के खिलाफ प्रदर्शनकारियों ने संसद में हल्ला बोल दिया है। भारी संख्या में प्रदर्शनकारी संसद भवन में घुस आए और हजारों प्रदर्शनकारी इराकी झंडा लहराते हुए घुसे। कुछ प्रदर्शनकारी तो कुर्सियों पर चढ़ गए और आराम करते हुए मिले तो कुछ ग्रुप में इकट्ठा होकर हॉल में डांस करने लगे। कहा जा रहा है कि सुरक्षा कर्मी जरूर वहां मौजूद रहे, लेकिन उन्होंने भी प्रदर्शनकारियों को रोकने की जरा भी कोशिश नहीं की। बताया ये भी जा रहा है कि बगदाद के ग्रीन जोन में कड़ी सुरक्षा का इंतजाम होने के बावजूद भी प्रदर्शनकारी संसद के अंदर घुस आए। ये भी निकल के सामने आ रहा है कि ये लोग ईरान समर्थित पार्टी द्वारा प्रधानमंत्री के नामांकन के विरोध में प्रदर्शन करने पहुंचे हैं। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए वाटर कैनन और आंसू गैस के गोले भी दागे, पर प्रदर्शनकारी अपनी जगह पर ही जमे रहे। प्रदर्शनकारी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था को ठेंगा दिखाते हुए संसद के अंदर घुसने में आखिरकार कामयाब हो गए। इसी दौरान प्रदर्शनकारियों से तुरंत ग्रीन जोन खाली करने को कहा गया और संसद में घुसे एक 41 साल के व्यक्ति का कहना है कि देश में लोग सत्ता पर बैठे भ्रष्ट अफसरों के खिलाफ हैं। हालांकि कब्जा करने के काफी देर बाद कुछ प्रदर्शनकारी वहां से निकल गए और प्रदर्शनकारी ग्रीन जोन के मुख्य मार्ग से नीचे उतरे और संसद भवन के दरवाजे के बाहर जमा हो गए। प्रदर्शनकारियों ने अल सुनादी आउट के नारे भी इस दौरान जमकर लगाए। प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार मोहम्मद शिया अल सुदानी के खिलाफ प्रदर्शनकारियों ने खूब हंगामा किया। क्या आने वाले दिनों में इराक में भी श्रीलंका की तरह ही हालात हो जाएंगे, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। प्राइम टीवी के लिए अर्चना राय की रिपोर्ट। आज के हमारे खास रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहिए प्राइम टीवी।